महनार के तानपुर परमानंदपुर में राशन न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि पहले हमें पास के पैस अध्यक्ष के यहाँ चल रहे जन वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज मिल जाया करता था, लेकिन अब इस बार जब अनाज लेने वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि अब अनाज वहाँ नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमें अनाज के लिए अपने पंचायत से बाहर दूसरे पंचायत में चल रहे जन वितरण की दुकान पर अनाज मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना था कि हमारे गांव में पैक्स के अलावा जन वितरण प्रणाली की 3 और दुकानें चल रहे हैं। अगर पैक्स के यहाँ हमें अनाज नहीं मिलता तो हमारे ही गाँव के किसी अन्य वितरण केंद्र पर अनाज मुहैया कराया जाए। लोगों ने कोरोना और लॉकडाउन हवाला देते हुए कहा कि इसके कारण हम पिछड़े महादलितों के सामने तो ऐसे ही भुखमरी की स्थिति है, जो बाहर कमाने गए वो भी कई महीने से बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किए गए इंतजाम ही एकमात्र सहारा है, लेकिन अगर ये भी सुलभता के साथ ना मिले तो फिर हम लोगों के सामने खाने पीने का संकट आ जाएगा। हाजीपुर से संवाददाता सिद्धार्थ कुमार की रिपोर्ट। होता है मालिक जी, तो सब एक महीना से पिछला महीने में अनाज हमें मिले ला, 5वां महीना है, 6वां में अनाज ना मिले रहे। अच्छा, 4वां महीना के मिले, 5वां में ना मिले रहे, 6वां तब चढ़वे कल हन। तब हमरा के कोटा न मिला तो 6 जे बाल बच्चा है 8 से कोते का के खाए। एगो बूढ़ भैंसी बूढ़ आदमी है कि आ बूढ़ भैंसी चरा कर लिया रे, पेट में हमरा अन्न न है। रौड़ी यार कहो, विचार करो जो हमार मर जाओ कि सरकार। तो सरकार तो अनाज बांटने की बात कर रही, तो आप लोग तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? माने भेज देवे 5 किलोमीटर अलग तक, जब बाल बच्चा जत इतना को जो दूध पी से जते ला दे, हम चल जाए भैंसी चढ़ावे खेत में बूढ़ आदमी। अच्छा, क्यों भेज दिया गया वहाँ, कुछ पता है? अब पता रहे तो रौड़ा के कला हम बुलाती रहे। अच्छा, परेशानी है आपको, मतलब पता नहीं चला है क्यों भेज दिया गया, क्या कारण है? परेशानी रहता ही रहा जी, तरोरा स्कूल पर आती ही रहा। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश पासवान। हमारा एक ही बात का यहाँ पर सरकार, उस सरकार से या प्रखंड से या ब्लॉक से लड़ाई नहीं है, सिर्फ अनाज के लिए लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई जो है, हम गरीब आदमी वृद्धा हो चुके हैं, 3-3 वो लड़का है, विकलांग है, उसको अभी तक उसको राशन कार्ड नहीं मिला। बहु बेटी जो है माने 1400-1500 रुपया जो है खर्चा कर करके राशन कार्ड, लेकिन अभी तक कोई नहीं। मेरा नाम राम लगन दास है, वहाँ पर इसका कीजिएगा मेरा नाम। अरे हम तो कहेंगे अब कह रहे हैं राशन की बात है, हमारा फैक्स में हमारा राशन है, सभी जगह राशन बटा गया, सभी जगह बटा गया, अब बट रहा है, लेकिन अभी तक हम भुखमरी के कगार पर है। सारी जनता यहाँ भूखा मर रहा है, सारी जनता, लेकिन अभी तक अनाज नहीं मिला। वह 3 किलोमीटर कौन जाएगा? हम वृद्धा आदमी है, न हम साइकिल है, न मोटरसाइकिल है, न अथी है, 10-20 रुपया लगा करके वहाँ जाएंगे हम क्या, बताइए। हमको यही स्कूल पर माध्यमिक विद्यालय खानपुर प्रखंड महनार जिला वैशाली, यहाँ पर हमको मिलना चाहिए अनाज। कब मिला था आखिरी बार, कब मिला था अनाज? हाँ, इससे पहले कब मिला था? 1 महीना पहले मिला है। मिला है, और इसमें हम कहेंगे जब 5 किलो यूनिट के हिसाब से 5 किलो अनाज हमको हर समय हमको मिलना चाहिए। पहले से ही मिल रहा था? अब पहले से भी मिल रहा था, पहले से ही मिला। और यहाँ अभी जो है, जो 1 किलो दाल हो, 1 किलो चना भी हो, जो कुछ हो, माने सरकार ने हमको दे रही है, यहाँ का सरकार हमको दे रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है सरकार में, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए उधर से हो चुका है, इससे हमको जनता को तकलीफ होता है। आपकी परेशानी यह है कि आपका कोटा दूर भेज दिया गया? दूर भेज दिया गया, बस इतना ही बात है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? हाँ, इसके लिए जिम्मेवार कौन? SDO जिम्मेवार होगा। अच्छा, SDO एग्जिट पेपर में लिखा को तंदुरुस्त किया जाए, तंदुरुस्त के, लेकिन अभी तक 5-6 दिन हो गया, लेकिन कोई तरह का हमारे पेपर में अलाउ नहीं किया। अच्छा, आप लोग एप्लीकेशन वगैरह दिए थे? हम हाँ, एप्लीकेशन मिला है, हाँ सर मिला है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया। आई सर हमसे पूछिएगा तो बहुत घटना यहाँ पर घट रहा है, क्योंकि हमारा देखिए गरीब आदमी है, 2500 वर्ष से एप्लीकेशन घर मकान के लिए हम दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम लगन दास है। 2500 वर्ष अनाज लाने गए,
भुखमरी बाल बच्चा के हुआ है तब अनाज लाने गए निर्भया के यहाँ, तो बोला जे बोला अनाज लरमपुर कोटा फेंक दिया, तो लरमपुर से हम क्यों कैसे के जाए अनाज लाने के लिए, छोटा छोटा बच्चा है मेरे के पास। कब मिला था आखिरी बार आपको अनाज, कब मिला अनाज? एक महीना पहले मिला था। एक महीना पहले? हाँ। और अब क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है यही अनाज नहीं मिल रहा है, बच्चा सब के खाने के लिए कुछ है नहीं, इस दिक्कत के में हम लोग ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं अनाज लाने के लिए, तो बोल रहा है अनाज यहाँ पर नहीं है, लरमपुर जाइए, तो फना जगह जाइए, तो कैसे होगा? तो नहीं गए आप जहाँ पे? नहीं गए हम लोग अनाज लाने के लिए। क्या क्यों नहीं गए वहाँ पे? नहीं गए, जब बच्चा है छोटा छोटा, कनिया उनिया है, वो सब अनाज ले आता है, लग में रहता है, तो दूरी से हम लोग कैसे जाए? कितना दूरी होगा तकरीबन? दूरी 1-2 मीटर है अनाज लाने के लिए, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? हाँ, इसलिए नहीं गए हम लोग। अच्छा। अब बीमारी का हल्ला है, कुछ भी हो जाएगा। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। कहाँ घर हो?